brought to you by Infinix and Cuckoo FM. Infinix पर very good offer मिला है. You can't bear to miss it. रूस की सड़कों पर भयानक बेचैनी है और लोग अपनी नियति को लेकर असमंजस में हैं और गुस्सा भी है और लाचारी भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस कालखंड और भूगोल में ये सब हो रहा है वहाँ निज़ाम के शब्द ही शासन है। निज़ाम ने कह दिया आज से सब दिन को रात कहेंगे तो कहना पड़ेगा, विरोध की गुंजाइश नहीं के बराबर। आपको फिर से याद दिला दें, हम रूस की बात कर रहे हैं जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक संबोधन के बाद प्रोटेस्ट और उसके बरक्स दमन का सिलसिला शुरू हो गया। 22 सितंबर की सुबह तक 1300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। कई इलाकों में लोगों को अपना सामान बांधकर बॉर्डर पार करते देखा गया। हवाई टिकट्स की बुकिंग भी अचानक से बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है ये बताएंगे, पर पहले आप पुतिन के भाषण का एक हिस्सा सुनिए जिसने रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माथे पर शिकन ला दी है। पुतिन ने क्या कहा भाषण में? अगर किसी की याददाश्त कमज़ोर हो तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास विनाश के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। जब भी हमारी सीमाओं पर खतरा पैदा होगा हम रूस और अपने लोगों को बचाने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, आई मीन इट। तो आज हम समझेंगे कि रूस में पुतिन के खिलाफ रैलियाँ क्यों हो रही हैं, क्या पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं, और पुतिन की चेतावनी पर बाकी दुनिया से क्या रिएक्शन आ रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मैं कैसे गागा के बता रहा हूँ, ये ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी है जिसमें हमारे सहयोगी होते हैं कुकू FM। ये एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं किताबों को सुनने के लिए तो आपको मिलेगी 50% की छूट, यानी हाफ रेट। कोड डालना पड़ेगा LT50। अब ये कोड डालिए और पुतिन की दुनिया में दाखिल होइए। लेकिन आज की कहानी आप सुने उससे पहले टाइमलाइन जान लें ताकि सब ठीक ठीक समझ में आ जाए कौन सा किरदार और कौन सी घटना कहाँ फिट है। तारीख 22 फरवरी 2022, पूर्वी यूक्रेन के दो इलाके दोनेश्क और लुहांस्क आज़ादी की घोषणा कर देते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से रूस समर्थित अलगाववादियों का नियंत्रण था। रूस इन दोनों इलाकों को मान्यता भी देता है। अमरीका और यूरोप के ताकतवर देश इसकी आलोचना भी करते हैं। दो दिन बाद तारीख आती है 24 फरवरी 2022 सुबह के 5 बजे, रूस के सरकारी चैनल पर पुतिन का भाषण आता है। इसमें पुतिन कह रहे थे, मित्रों लुहांस्क और दोनेश्क में यूक्रेन नरसंहार कर रहा है, यूक्रेन की सत्ता में नियो नाजी लोग बैठे हैं, वे लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, इसे रोकना ज़रूरी है, और इसी को आधार बनाकर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया। पुतिन भले ही इसे विशेष सैन्य अभियान की संज्ञा दे रहे थे लेकिन यूक्रेन और दुनिया के कई देशों ने इसे युद्ध की तरह लिया। वो तारीख और आज की तारीख 22 सितंबर 2022, रूस यूक्रेन युद्ध के 210 दिन बीत चुके हैं। अगर हम युद्ध के शुरुआती दिनों की तुलना मौजूदा स्थिति से करें तो हालात बदल चुके हैं। रूसी सैनिक शुरुआत में यूक्रेनी राजधानी कीव तक पहुँच चुके थे, तीन तरफ से हमला भी किया था, और तब आशंका जताई गई थी कि रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या कर सकता है, और तब अमेरिका ने जेलेंस्की को बाहर निकालने का विकल्प भी दिया था लेकिन जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से मना कर दिया था। युद्ध के 6 महीने बाद पासा पलट गया है, यूक्रेन ने रशियन आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है और जेलेंस्की का दावा सामने है कि उनकी आर्मी ने हफ्ते भर के अंदर 8000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस हासिल की है। 13 सितंबर को रूस ने पहली बार माना कि उन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर हार मिली है और ये हार उन्हें खार्कीव में झेलनी पड़ी। रूसी सैनिक मोर्चा छोड़कर पीछे हट रहे थे, ये पुतिन के लिए बड़ा झटका था। चूंकि हमले का आदेश उन्होंने दिया था इस लिहाज से हार की जिम्मेदारी भी उनकी थी, लेकिन यहाँ पर चालू हुआ एक खेल। रूसी अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने पुतिन के बजाय डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री कमांड पर दोष डालना शुरू कर दिया। क्रेमलिन की एक कमेटी के मेंबर ने तो यहां तक कह दिया कि इस नाकामी के लिए जो सैन्य अधिकारी दोषी हैं उनका सर पुतिन की टेबल पर होना चाहिए। उसी समय यह चर्चा भी शुरू हुई कि पुतिन मोबिलाइजेशन यानी लामबंदी का आदेश दे सकते हैं, मतलब ये कि लड़ाई के काबिल लोगों को मोर्चे पर भेजा जा सकता है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW रूस यूक्रेन युद्ध का आकलन कर रोजाना रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसकी 13 सितंबर की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई संकेत नहीं कि पुतिन लामबंदी का आदेश देने वाले हैं, हाल फिलहाल में वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर उसी रोज क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आया और उन्होंने कहा जनरल मोबिलाइजेशन का कोई इरादा नहीं है।
दो दो बयान आ गए एक जैसे, तो बात आई गई हो गई और लोगों को लगने लगा कि रूस अब पूर्वी यूक्रेन पर फोकस करेगा। इस समय यूक्रेन के चार प्रांत उसके नियंत्रण में भी हैं, खेरसोन, ज़ापोरोजिया, लुहांस्क और दोनेश्क। रूस की तरफ से माहौल बनाया गया कि अब उनकी सेना इन्हीं चारों पर ध्यान देगी। फिर आया 15 सितंबर, उज़्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की सालाना बैठक शुरू हुई। पुतिन भी पहुंचे। इस समिट में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया था। पुतिन ने हमले को जायज़ ठहराने और SCO मेंबर्स के साथ अलग गुट बनाने की कोशिश भी की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो रूस की चिंता समझते हैं। इस दौरान पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से मुलाकात हुई। मोदी ने पुतिन को कहा कि हम जानते हैं कि आज का समय युद्ध का नहीं है, हमने इस बारे में कई बार फ़ोन पर बात की है कि सिर्फ लोकतंत्र, कूटनीति और बातचीत से मसले सुलझाए जा सकते हैं। इस पर पुतिन का जवाब था कि हम ये सब जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, जो कुछ भी वहाँ घटेगा हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। जल्द से जल्द सब खत्म करने वाले बयान का मतलब क्या था पता नहीं चला, पर इतना ज़रूर समझ आया कि पुतिन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी मिली फिर 20 सितंबर को, जब खेरसोन, ज़ापोरोजिया, लुहांस्क और दोनेश्क की प्रॉक्सी सरकारों ने रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया। रेफरेंडम रूस में शामिल होने के लिए। कब्जे के बाद रूस ने इन इलाकों का नियंत्रण अपने लोगों के हाथ में सौंप दिया था। ये लोग रूस के इशारे पर काम करते हैं। जाहिर तौर पर जनमत संग्रह का आदेश मॉस्को से आया था। रूस ने यूक्रेन में पिछला जनमत संग्रह मार्च 2014 में करवाया था, क्रीमिया और सेवेस्तोपोल में, और दोनों जगहों पर लगभग 97% वोटर्स ने रूस के साथ मिलने के पक्ष में वोटिंग की थी। तब से क्रीमिया और सेवेस्तोपोल रूस के प्रांत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कब्जे को अवैध बताता है और कहा जा रहा है कि रूस यही काम अब यूक्रेन के बाकी चार प्रांतों में भी करने वाला है। ये ऐलान आ गया, फिर खबर आई कि पुतिन देश को संबोधित करने वाले हैं। ये 20 सितंबर की शाम को होना था, लेकिन इंतजार बढ़ता गया, पुतिन नहीं आए सामने। रात होते होते खबर भी हटा ली गई, कहा गया कि पुतिन और तैयारी के साथ सामने आएंगे, पर वो 21 सितंबर को आए। 14 मिनट लंबा भाषण दिया, इसमें उन्होंने उन सारी बातों का जिक्र किया जिसका डर था। क्या बोले पुतिन? आज मैं डोनबास की स्थिति के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूँ। हमने इस इलाके को नियो नाज़ी शासन से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। आज मैं वहाँ के मौजूदा हालत पर बात करूँगा। पश्चिमी देश हमारे मुल्क को कमज़ोर कर बर्बाद करना चाहते हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं कि उन्होंने 1991 में सफलतापूर्वक सोवियत संघ का विघटन किया, अब वे रूस के साथ भी वैसा ही करना चाहते हैं। इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई थी, उन्होंने हमारी चिंताओं पर गौर करने की बात भी की थी, लेकिन पश्चिम के दबाव में वो पीछे हट गए। नियोनाजी शासन से मुक्त कराए गए लोगों के खिलाफ दमन का एक सिलसिला चल रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। हम अपने बच्चों और परिवारों को कसाईयों के हाथ में नहीं छोड़ सकते, हमें उसका जवाब देना होगा। लुहांस्क और दोनेश्क की संसद और खेरसोन और ज़ापोरोजिया के सैन्य प्रशासन ने अपना भविष्य तय करने के लिए रेफरेंडम कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने हमसे मदद की गुहार लगाई है, रूस उन्हें हर संभव मदद देगा, हम उनकी राय का सम्मान करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री ने आंशिक लामबंदी का सुझाव दिया था। मातृभूमि और इसकी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए मुझे ये ज़रूरी लगा। मिलिट्री में काम कर चुके और सेना का अनुभव रखने वाले लोगों को ही बुलाया जा रहा है। इन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद मोर्चे पर भेजा जाएगा। मैंने आदेश पर पहले ही दस्तखत कर दिया है। ध्यान रहे, रूस में अनिवार्य सैन्य सेवा का आदेश आखिरी बार 1941 में जारी हुआ था। उस समय नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। तो यहां तक पुतिन का फोकस यूक्रेन पर था, लेकिन अंत में लहजा बदल गया। वो न्यूक्लियर वॉर का जिक्र भी करने लगे, बोले कि वे हमें न्यूक्लियर हथियारों से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो के कई बड़े अधिकारियों ने रूस के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की संभावना जताई है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे पास उनसे भी बेहतर हथियार हैं। मैं फिर से दोहराता हूं कि हम रूस को बचाने के लिए हर तरह के वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग हमें न्यूक्लियर हथियारों से ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि हवा कभी भी बदल सकती है। पुतिन के भाषण के जिन दो बिंदुओं पर इसके बाद हंगामा मचा, वो थे आंशिक लामबंदी का आदेश और न्यूक्लियर हमले की चेतावनी। लामबंदी के आदेश के बाद रूस के कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों से इकट्ठा होकर विरोध जताने की अपील की गई। 21 सितंबर को ही मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों में हजारों की भीड़ जमा हुई। भीड़ ने सेंड पुतिन टू ट्रेंचेस, स्टॉप पुतिन, स्टॉप वॉर, नो टू वॉर के नारे लगाए। मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 37 शहरों में विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, 1500 से ज्यादा लोग अरेस्ट। इसके बावजूद प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे। और क्या हो रहा है? पुतिन के आदेश के बाद रूस से निकलने की कोशिश भी बढ़ गई है। पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर लंबी कतारें हैं, फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 21 सितंबर को लगभग 5000 लोग रूस से फिनलैंड पहुंचे, पिछले हफ्ते की तुलना में ये संख्या दुगनी है। फिनलैंड इस पलायन पर रोक की तैयारी भी कर रहा है।
21 सितंबर की रात प्रदर्शनकारियों ने निजनी नोवगोरोद में मिलिट्री रिक्रूटमेंट ऑफिस पर पेट्रोल बम से भी हमला किया। उधर रूस की संसद के निचले सदन ड्यूमा के स्पीकर ने कहा कि सांसदों को भी लामबंदी से छूट नहीं मिलेगी, जो कोई लड़ने के योग्य होगा उसे मोर्चे पर जाना होगा। जिन प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिक्रूटमेंट ऑफिस में पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। ये रूस की बात हुई, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है? जब ये ऐलान हो गया तो 21 सितंबर को ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया। इसमें उनका जोर पुतिन के ऐलान पर था, कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हमने आज़ादी और संप्रभुता का रास्ता चुना है। फिर बोले कि रूस ने लामबंदी का आदेश देकर गलती करी, भारी गलती, अमरीका इस रेफरेंडम को कभी मान्यता नहीं देगा। 21 सितंबर को ही यूक्रेनी राष्ट्रपति का भी भाषण हुआ। ज़ेलेंस्की न्यूयॉर्क नहीं गए, उन्होंने कीव से ही जनरल असेंबली को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने रूस का वीटो पावर छीनने, स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाने और वॉर क्राइम के दोषियों को सजा देने की अपील की। पुतिन के आदेश के बाद चीन का बयान आया। चीन ने बातचीत कर संघर्ष विराम लागू करने के लिए कहा है। ये तो दो बड़ी शक्तियों की बात हो गई। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, नेटो, यूके, जर्मनी समेत कई देशों ने पुतिन के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी, तनाव पर चिंता जताई और रूस के कदमों पर नजर रखने की बात कही, और ये भी कि हम हर संभव स्थिति के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये कि पुतिन की चेतावनी से खतरा कितना है? कई पश्चिमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि चेतावनी हताशा से उपजी हुई है। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल उनके पास मौजूद आखिरी उपाय होगा। पहली बार उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है, उनके ऊपर असफल होने का ठप्पा लग रहा है। जिस पुतिन को रूस की जनता जानती है वो हमेशा जीतते रहे, या कम से कम यही बताया गया, और अब अगर वो हारते दिख रहे हैं तो उनकी छवि ध्वस्त होगी, और छवि ध्वस्त हुई तो फिर उनकी रुखसती का वक्त नज़दीक आ जाएगा। इसलिए पुतिन इस तरह की आक्रामकता दिखा रहे हैं, पर रूस है, कुछ भी कर सकता है। आज की दुनियादारी में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ये उम्मीद है। विदा लेता हूँ, शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है, लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।